दोस्तों, अगर आप अपने ईमेल का पासवर्ड भूल गए हैं तो यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन पर जाते हैं नया पासवर्ड बनाने के लिए। तो इस ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहां पर अपना यूएन नंबर और दिख रहे कैप्चा कोड को एंटर करना रहता है। एंटर कर देने के बाद सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करना रहता है। उसके बाद दोस्तों, ये आपसे पूछता है कि क्या यूएन में रजिस्टर्ड ये मोबाइल नंबर आपके पास अभी चालू है। तो अगर आपके पास ये मोबाइल नंबर चालू है तो आप यस बटन पर क्लिक करके तुरंत नया पासवर्ड बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास यूएन में रजिस्टर्ड ये मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो ऑप्शन पर क्लिक करना रहता है। तो यहाँ पर क्लिक करने पर दोस्तों, अभी कुछ लोगों को ये एरर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है और यहाँ पर लिखा है कि योर यूएएन इज़ नॉट लिंक्ड विथ आधार, फर्स्ट मेंबर हैज़ टू लिंक हिज हर आधार विथ यूएएन थ्रू हिज हर एम्प्लॉयर और ई केवाईसी पोर्टल। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने यूएन का पासवर्ड भूल गए हैं और आपके पास यूएन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी नहीं है और आप जब फॉरगॉट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो ये एरर देखने को अगर मिल रहा है, तो अब चलिए जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन भी यहीं पर बता दिया है। तो यहाँ पर जैसे कि बताया है कि आपको अपने पीएफ खाते से आधार लिंक करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाइए या तो फिर ई केवाईसी पोर्टल से आधार लिंक कीजिए। तो देखिए, आप अपने एम्प्लॉयर के पास से अपने पीएफ खाते में आधार केवाईसी ऐड करवा लीजिए, ये आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पर जो ई केवाईसी पोर्टल से हम बिना एम्प्लॉयर के भी अपने आधार को अपने पीएफ खाते से लिंक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप epfindia.gov.in पर ईकेवाईसी पोर्टल ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पर लिंक यूएन विद आधार पर जाते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपने यूएन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी की भी जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि आपके पास अपने यूएन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी नहीं है, तो इसलिए आप ईकेवाईसी पोर्टल के जरिए अपना यूएन नंबर से आधार नंबर भी लिंक नहीं कर सकते। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, आपको अपने एम्प्लॉयर के पास जाकर अपने यूएन खाते में अपना आधार लिंक करवाना पड़ेगा। और अगर दोस्तों आपकी पीएफ की डिटेल और आपकी आधार की डिटेल मिसमैच है, यानी कि अलग अलग है, तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जाकर जो है पीएफ ऑफिस में जमा करना पड़ेगा, जिससे आपकी डिटेल जो है पहले करेक्ट हो जाए। उसके बाद ही आपके एम्प्लॉयर आपकी आधार केवाईसी ऐड कर पाएंगे आपके यूएन में। एक बार आपकी आधार केवाईसी ऐड हो जाने के बाद फिर से जब आप इस ऑप्शन पर जाएंगे फॉरगॉट पासवर्ड में, तो आपको ये एरर देखने को नहीं मिलेगा। आपको आगे स्टेप आप फॉलो करने रहेंगे, जैसे कि डिटेल अपनी वेरीफाई करनी रहेगी, आधार नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा उसके बाद। लेकिन दोस्तों, और एक आपके लिए दिक्कत हो सकता है, यहाँ पर उसके बाद आपको आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही एंटर करने को कहा जाएगा, जिसके बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर आपको बताई थी। तो दोस्तों, जरूरी है कि आपके आधार में मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड हो और वो मोबाइल नंबर आपके पास चालू हालत में हो। पहले ये होता था कि हम कोई सा भी मोबाइल नंबर यहाँ से ऐड कर सकते थे और नया पासवर्ड बनाकर लॉगिन कर सकते थे। तो आपके पास आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है, तो उस नंबर को वेरीफाई करके आप जो है नया पासवर्ड बना सकते हैं और अपने यूएन मेंबर पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब देखा जाए तो ईपीएफओ ने मैंडेटरी कर दिया है सभी पीएफ मेंबर्स के लिए कि उनके यूएन अकाउंट से आधार नंबर लिंक होना चाहिए और उस आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी चालू होना चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान रखिए दोस्तों, और आप अपने यूएन में आधार लिंक करके रखिए और उस आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को भी अपडेटेड रखिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।